और गरियाबंद के देव भोग में 5 माह पहले तैयार की गई रनिंग वाटर योजना लागू होती नहीं दिख रही है। यहां पर योजना के तहत कुल 324 स्थानों पर पानी के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव के चलते 100 स्थानों में भी पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। दरअसल इस योजना के लिए 85% रकम जल जीवन मिशन के तहत खर्च की जाती है और 15% रकम पंचायत के 15वें वित्त मद से दी जाती है। रिकॉर्ड के अनुसार कार्य एजेंसी का ग्राम पंचायत है, पर कमीशन का पूरा खेल अफसरों ने नियमों को ताक में रखकर अपने चहेते को फर्म दे दिया है। काम कराने की जिम्मेदारी पीएचसी विभाग की थी। काम में भारी अनियमितताएं पाई गई है। मानक स्तर के सामग्री नहीं लगाए गए हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजना की मनमानी के अलावा सामंजस्यता का अभाव भी दिखा है और योजना शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। क्या है कि हमको अभी तक हैंड ओवर ही नहीं हुआ और इसमें शायद विद्युत व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं है। यहाँ पे बोरवेल भी नहीं है, ये भी ड्राई एरिया है। इस कारण वहाँ लाटापार रोड में आधा किलोमीटर दूर में बोर है, वहीं से पाइप जो है बिछाया गया है, लेकिन वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं है। इसमें कोई सक्सेस नहीं। विकासखंड के बहुत सारे स्कूलों में रनिंग वाटर लगा हुआ है, कुछ एक स्कूलों में चालू है और बहुत सारे स्कूलों में बंद है, और इसकी जानकारी विभाग देगी और इसके लिए पीएचई विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है और विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को हैंडओवर भी नहीं किया गया है। किन दिक्कत, किस किस तरह की दिक्कतें आई हैं जो बंद रहा? विभिन्न स्कूलों में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कहीं पर बिजली की सुविधा नहीं है, कहीं पर मोटर सुविधा नहीं है, कहीं पर प्लम्बर की सुविधा नहीं है।